Yo, bro. Goa जा रहा है bro. Yeah, bro. Yeah, Goa is on. Yeah. ये लोग जा रहे हो और तुम्हारे देव भाई ना जा रहा हो. देखो, पंगा ये है. मैं जा रहा था पहले अकेले. इन लोगों ने बाद में टिकट कराया. इसीलिए इनका टर्मिनल पड़ा अलग. अब उनका है टर्मिनल 3 से, इनका है टर्मिनल 2 से. चल ब्रो, हम सीधा मिलते हैं मुंबई में. ओके, चल. ये मोहसिन भैया है, भाई के कॉलेज फ्रेंड. अब वो रहा मेरा भाई. बाय. यूजली मैं कभी भी अगर अपना स्टार्ट करता हूँ तो स्टार्टिंग है भाई, तब छोड़ने आता है. मोस्ट ऑफ टाइम मुझे भाई छोड़ने आता है, जो बहुत ही अच्छा लगता है. तब सही होता है यार, मतलब कहीं जा रहे होते हो तो कितना ही फ्रीक्वेंट घूम लो, बट घर वाले जब छोड़ने आते हैं ना, एक अलग ही सुकून मिलता है. यू नो, कनेक्टिविटी रहती है. जैसे तुम्हारी और मेरी, देव भाई और फैमिली वाली सीन, वैसा फैमिली वाला तो मज़ा ही अलग है. एयरपोर्ट पर सबसे ज़्यादा टाइम लेने वाली चीज़ जो है वो मेरी बैग की चेकिंग. बैग की चेकिंग होने में जितना टाइम लगता है, मेरे को वापस उसे उस तरीके से पैक करने में, क्योंकि छोटा सा बैग होता है, जैसे आप देख सकते हो, एक बैग लेके कैरी करता हूँ. इस पर गिम्बल, ड्रोन और जितने भी चीज़ें होती है सब मैं इसी में कैरी करता हूँ. और वो सारी चीज़ें दोबारा वैसे ही फिट करके प्रॉपर तरीके से लेके जाएँ सेफली, थोड़ा सा टाइम टेकिंग होता है. तो ये वाली चीज़ मैं थोड़ा ऐसे वाली चीज़ है, बट ठीक है, रिलेटेड भी चेकिंग ज़्यादा ज़रूरी है. अभी पूरा का पूरा एयरपोर्ट क्रिसमस के झूम में झूम रहा है, अच्छा खासा मतलब सजा रखा है. बट एक चीज़ वेट लग रही है मुझे, अभी हॉलीडे टाइम, रश होता है एयरपोर्ट में. बट अभी आई डोंट नो, टर्मिनल 3 खाली है. मेरे साथ दो नल्ले और है जो टर्मिनल 2 पे है. मुझे भी लगा था मेरा टर्मिनल 2 में डोमेस्टिक फ्लाइट है, तो मोस्ट पहले टर्मिनल 2 होना चाहिए था, बट टर्मिनल 3 हुआ. तो वो दोनों मेरे से अलग है. क्योंकि अलग क्यों हुआ, रीज़न तुम्हारे देखा था, मैं बताया कोई दिक्कत की बात. रीज़न ये है वो अलग होने की, मेरा पहले तो प्लान था सोलो का, क्योंकि ये लोग नहीं आने वाले थे. भाई न्यू ईयर गोवा मतलब नेक्स्ट लेवल, खर्चा तो है ही है बट मज़ा भी वैसा ही है. तो इन लोगों ने मना कर दिया, मैंने अपनी टिकट बुक करी, फिर इनको ही ना चल एक जा रहा है तो क्यों नहीं हम भी जाए. तो इन्होंने फिर बाद में टिकट कराई और मुझे टिकट पड़ी 6,000 रुपये की गोवा तक की, मतलब लेकिन इनको पड़ी 10,000 रुपये का. लाइक टाइम डिफरेंस का फ़र्क है. और उस टाइम अगर ये मैं अगर डायरेक्ट करा था तो मेरे को 10 का पड़ा था. आई सेव आई थिंक मेरे 5-6 हज़ार रुपये बच गए थे. और इनका अगर डायरेक्ट गोवा कराती तो इन्हें 17,000 रुपये पड़ा था. किसी को फ्लाइट बुक करना है तो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में लिख दे दूंगा, वो सबसे बेस्ट और चीपेस्ट फ्लाइट प्रोवाइड करते हैं. भैया कभी कभी खुद भी दो चार. अच्छा भैया, आपको मतलब कस्टम फ्री मिलता है घर ले जाने के लिए? चीपर है ये, चीपर है वो तो डोमेस्टिक वालों के लिए थोड़ी है. आपके लिए है, लो. डोमेस्टिक वालों के लिए थोड़ी मिलेगा. अरे भैया क्या बात है, मैं कह रहा हूँ. तो यहाँ पे एक बहुत ही स्वीट भैया मुझे मिले जो यहाँ के वाइन शॉप में वर्क करते हैं. बाय द वे, यहाँ के वाइन के रेट बाहर के प्राइस से हाफ है. उनकी जो क्वालिटी होती है ऐसी वाली होती है. बाय द वे, मैं वाइन पीता नहीं हूँ या मैं अल्कोहल कंज्यूम नहीं करता, बट जो लोग करते हैं उनके लिए ये बहुत ही. भाई यहाँ पे इतना चीप क्यों, मतलब बाकी सब चीज़ें इतनी महंगी, ये इतना सस्ता क्यों? एक्चुअली एक्साइज डिपार्टमेंट के रेगुलर जो प्राइस होते हैं उसी पे डिपेंड करते हैं. ओके, कस्टम के लिए. हाँ, पर यहाँ पे जो यहाँ पे क्वालिटी आती है वो ओरिजिनल क्वालिटी. ये तो है. ऊपर से अगर कोई इंटेंशनल ब्रांड, सबसे अच्छी बात है यहाँ के टैक्स फ्री इंटेंशनल ब्रांड मिल जाए आपके. यहाँ अगर बाहर से परचेस करते हो तो वो इंटेंशनल जो आना जाना वो सब भी आपको पे करना पड़ता है, बट इस जगह पे नहीं. क्वालिटी आपको इतनी ज़्यादा मिलेगी, हर ब्रांड मिल जाएगा. हाँ, अब जहाँ पे ब्रांड दिखाता हूँ मैं, यहाँ पे हर तरह के ब्रांड मिल जाएंगे, वाइन से लेके. ये इस तरफ कलेक्शन देखिए भैया, कुछ बताइए ये कलेक्शन. ये आपका सिंगल मोल्ड होगा, सिंगल मोल्ड सेक्शन होगा. ये भी आपका, ये इंडियन ब्रांड होगा, वर्ल्ड नंबर वन अमरूद. क्या प्राइस होता है ये? 3500 होगा. अच्छा, अब यही चीज़ अगर बाहर होती तो? एक्चुअली ये वर्ल्ड में ना नंबर 2 पोजीशन पर आता है. पहले ये नंबर 1 पे आता था, और जो नंबर 1 पे आता है उसकी जो प्राइस मानोगे आप 2 लाख है. कितना भैया? 2 लाख. उसे पीते हैं सजा कर रखते हैं सिर्फ? और ये आपका सिंगल मोड सब होगा. गिफ्ट देना है अगर वो थोड़ा कंज्यूमर, तो यहाँ से बेस्ट प्लेस कहीं नहीं होगा, आपको मिलेगा. और भैया इस तरफ क्या क्या है? ये आपका वाइन सेक्शन होगा. वाइन सेक्शन, ओके. ये आपका सिंगल मोड सेक्शन होगा. क्या चीज़ है भैया? सिंगल मोड. ये भी कुछ पीने का होता है क्या? ये सिंगल मोड जो एक ही मोड से बनाई जाती है. अच्छा, ये बार वगैरह में जो कॉकटेल्स आ वो कॉकटेल, आपकी कॉकटेल में, आपकी कॉकटेल में तो अलग चीज होती है, आपकी टकीला होंगे. अच्छा,
अच्छा भैया, आप लोगों का अलाउ होता है ले जाने के लिए, मतलब परचेस करने में? डोमेस्टिक वालों को भी? ओनली पैसेंजर। मतलब डोमेस्टिक में हाँ मिल जाता है? ओनली पैसेंजर। अगर मैं लेना चाहूँ आपको मिल जाएगा? सही है भैया। यहाँ पे वर्ल्ड के बेस्ट वाइन मिल जाएंगे। वाइन वैसे सेहत के लिए भी अच्छी होती है, स्पेशली अगर कोई वुमेन है। और ये जॉनी वॉकर। आपके साथ बात करके मुझे बहुत मजा आया। लाइक ये वीडियो आप प्रोबेबली हफ्ते भर के बाद देख सकते हैं देवर शर्मा ब्लॉग्स, और जगह सर्च करेंगे तो वहाँ पे आप मिल जाएगा। और इन्फॉर्मेशन देने के लिए थैंक यू सो मच भैया। और कोई भी यहाँ पे टर्मिनल 3 पे आता तो भैया से मिलके हाय जरूर कहना कि आपको धीरज भाई के चैनल पर देखा था। चलो अभी आगे हमें सफ़र बहुत बाकी है। अभी ही इज़ अ सच अ स्वीट पर्सन। लाइक उन्होंने मुझे बहुत सारी चीज़ें बताई, मतलब ऑफ कैमरा भी उन्होंने बहुत सारी चीज़ें बताई जो मैं प्रॉब्ली नहीं शो कर सकता। स्पेशली देखो, ड्रिंक करना बुरी बात नहीं है एक हद तक, क्योंकि देखो तुम पी रहे हो ठीक है, बट जब तक तुम पी रहे हो, अगर एक टाइम पे दारू ने तुम्हें पीना शुरू कर दिया तब वो बुरी चीज़ बन जाती है। अगर तुम उसमें लिमिट में रख रहे हो, कोई भी चीज़ तुम्हें लिमिट में कर रहे हो ठीक है, बट कोई भी कुछ भी, इवन अगर पानी भी आप एक्सेसली उसे कंज्यूम करते हो तो ओवर हाइड्रेटेड हो जाते हो, वो चीज़ आपको प्रॉब्लम करती है। तो सेम चीज़ अल्कोहल के साथ भी, अल्कोहल बुरा नहीं है बट वो चीज़ लिमिट में नहीं रहती है, फिर वो बढ़ती रहती है, इसीलिए शुरू ही मत करो। मैं ऐसा मानता हूँ, इसलिए मैंने कभी उसे ना टेस्ट किया ना करूँगा। एयरपोर्ट की ये ऑटोमेटिक, आई डोंट नो क्या बोलते हैं, मेरे दिमाग में नहीं आ रहा, ऐसा लगता है कि बस चल रही है तो चल रहे हैं, चल रही है तो चल रहे हैं, यहाँ से लेके मुंबई यही पहुँचाएगी, इतना स्लो, ऐसा ज़िंदगी कट रही है, धीमी धीमी गुजर रही है। इस पर चढ़ने का सबको ऐसा, अगर आपको भी ऐसा फील आता है तो नीचे कमेंट करके बता सकते हैं। और किसी ने अगर मुझे इंस्टाग्राम फॉलो नहीं किया तो ये रहा मैं इंस्टाग्राम हैंडल, यहाँ फॉलो कर सकता है एक नंबर ट्रैवल फोटोग्राफी, स्पेशली अभी गोवा की फोटोग्राफी देखने के लिए, यू नो गोवा। फिलहाल दिल्ली टू मुंबई की फ़्लाइट तो मेरे को पता ही नहीं चला, मैं बैठा और सो गया। और अभी का जो प्लान है, थोड़ा खाना खाएंगे क्योंकि अभी भूख लग रही थी। वो जो दो नल्ले से आप आए? जी भैया। अच्छा सर, दिल्ली का माहौल कैसा सर? बहुत ठंड है, बहुत सुबह की ये जो लफड़ा हुआ था। अच्छा वो, अरे गजब भाई बात कर रहे हैं। हमारा जो कैप और NRC का जो लफड़ा अपना उधर हुआ था, तो JNU और उधर जो भाई गजब लफड़ा हुआ था, मतलब बहुत बहुत ज़्यादा। आपको नया है वर्सोवा बीच है, वर्सोवा बीच आके देखो, आप लोगों को मस्त चीज़ दिखा ड्राई फिश की। यहाँ पे लगभग होलसेल मार्केट है, होलसेल बोल रहे थे, यहाँ पे मैन्युफैक्चर हो रहा है, मार्केट नहीं, लोग सीधा मैन्युफैक्चर यहीं से पकड़ रहा है, यहीं पर सुखा रहे हैं। बहुत ही, मैं हमेशा सोचता था यार ड्राई फिश ये लोग कैसे बनाते होंगे। आज तुम्हारे भाई ने पूरा प्रोसेस देख लिया, तुम भी इंजॉय करो इसको। बाकी वर्सोवा बीच, मतलब जनरली बताओ मेरे को जू बीच से ज़्यादा अच्छा लगा, थोड़ा क्राउड कम है, क्लीन ज़्यादा है उससे, भाई काम हो रहा है, बस फिशी स्मेल यहाँ पे थोड़ी सी ज़्यादा है, यहाँ पे यू नो वर्क हो रहा है। अबे अब हम लोग दिल्ली से निकले थे, वहाँ का टेम्परेचर हो रहा था 4 डिग्री, भर के गर्मी थी भाई, मतलब भर के ठंडी थी, यहाँ पे पसीने छूट रहे हैं और सब मेरे को, मैंने वही मैं सोचा मैंने जैकेट क्यों पहन रखा अभी भी। अच्छा मैं ये वाला लाया, इसको कैरी करना ईजी था। तो मैं बहुत देर से दोनों भाई को नोटिस कर रहा था, भाई काफ़ी देर से वर्कआउट कर रहा हूँ, दोनों गजब फिट है यार, मतलब तो शेप देखो यार, मतलब तो क्या गजब बना रखा है भाई। किसी को गर्लफ्रेंड पे, मतलब कोई लड़की देख रही हो तो यू नो फीमेल ऑडियंस अगर कोई देख रहा है, भाई लोग सिंगल हो, बहुत सारे लोग बोल जा रहे हैं क्या एब्स देख रहे हो भाई, 8-pack एब्स प्रॉपर बने हुए हैं, गजब भाई। जो लौंडा ऐसा है कहीं भी कैसे भी अपना मजा कर रहा था, एक्चुअली
फिलहाल अभी हमारे यहाँ से बस मुंबई से हम लोगों ने बस किया है क्योंकि ये थोड़ा कॉस्ट इफेक्टिव था लोगों के लिए, ऊपर से हम लोगों ने थोड़ा मुंबई भी घूम लिया। कैसा लगा मुंबई? मस्त, बड़ा मजा था, मस्त ठंडे के साथ मस्त मज़ा आ गया, मज़ा आ गया ना। तो यहाँ का ना अलग कल्चर, अलग ये देखा ना, मतलब अच्छा लगता है, दिल्ली में अपने को ऐसा नहीं मिलता। सो हम लोगों को सीट मिल गया, हम लोगों ने एक्चुअली अपर सीट लिया है ब्रो, सही है ना? हाँ, एक्चुअली नॉन ए सी हो गई गलती से। अरे कोई दिक्कत नहीं, हवा खाएंगे। मुझे इसने बताया कि तेरे टिकट में नॉन, मैंने कहा ए सी खिड़की क्यों खुल रही है, इन्हें ब्रो तूने नॉन ए सी कर दी। चलो कोई ना, हो जाता है कभी कभी, पर सीट बढ़िया मिली है। ये रहा अपना पड़ोसी। और पड़ोसी मस्त, सीट मस्त है, सो रहा। एक्चुअली मेरा फर्स्ट टाइम है कि स्लीपर मक्ख, एक एक करके बोल लेते हैं। देखो फर्स्ट टाइम, मेरा फर्स्ट टाइम है स्लीपर बस में ट्रैवल करने का। बाय द वे स्पेसियस बहुत दिया भाई, ऐसे दौड़ देख रहे हो। मैं वो तो दो है सीट, इसीलिए ये बार रत्ती भी आ जाएगा। हाँ रत्ती, उसको वो पैसा तेरे को मन, तेरे को मन करे उधर अकेला बोर हो रहा हूँ। हाँ दिए दरा दिए भाई, एक चीज़ फिक्स है, नींद भयंकर आने वाली है सबको। अभी पढ़ेंगे, सुबह ही उठेंगे।